राजधानी पटना के एक बड़े स्कूल के शिक्षक पर पूर्व छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। उसने महिला थाने में शिक्षक के खिलाफ छेड़खानी की प्राथमिक दर्ज कराई है। प्राथमिकी में उसका कहना है कि वह 2007 से स्कूल की छात्रा है। जूनियर सेक्शन के शिक्षक बचपन से ही छेड़खानी और अश्लील हरकत करते थे। जब भी मिलते खुद को पिता तुल्य बताकर अश्लील बातें करते थे। मैं उस समय कुछ बोल नहीं पाती थी। स्कूल से निकलने के बाद सिटी ईटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने गई थी। वहां परीक्षक भी वही शिक्षक थे। परीक्षा के दौरान भी गलत तरीके से शरीर छूटे हुए बात करने लगे। अब चुप नहीं रहूंगी। महिला थाना अध्यक्ष आरती जायसवाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। स्कूल खुलने पर आरोपित शिक्षक से पूछताछ होगी। पीड़िता ने बताया कि आरोपित स्कूल के शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए वह पिछले 4-5 दिनों से गांधी मैदान थाने का चक्कर लगाती रही। प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद SSP को आवेदन देने के बाद महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। एक शिक्षक पर आरोप लगाया छेड़खानी का, क्या है सर पूरा मामला? सेंचुरी की पूर्व छात्रा ने एक शिक्षक पर आरोप लगाया है। संबंध में हम लोगों ने FIR दर्ज कर ली है और आगे का अनुसंधान कर रहे हैं कि इसमें क्या घटना है। छात्रा का कहना है कि 10 वर्षों से वो इस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, चूँकि पूर्व में भी इस तरह की घटना संजीवियर में हो चुकी है। अच्छा, FIR में छात्रा ने यही बताया है। उनका बयान हम लोग दर्ज कर लिए हैं और 161 में भी इनका बयान करा जाएगा, 164 में इनका बयान करा जाएगा और उनके बयान के आई तथ्यों के आलोक में अगतर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने CTET का जो एग्ज़ाम चल रहा था उस दौरान भी घटना होने की बात ऐसी बताई। तो क्या कार्रवाई करेंगे? गिरफ्तारी होगी? कार्रवाई अगतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छोटी बच्चियों के साथ भी शिक्षक गंदी हरकत करते हैं। पूर्व छात्रा ने आरोप लगाया है कि स्कूल में छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। बच्चों को गुड टच बैड टच की पढ़ाई होगी तो समझ में आएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो हुआ वह दूसरे बच्चों के साथ भी हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।